फादर जी को जेम्सी की मेरी गवाही ये है कि मैं 1.5 साल से मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी, तो मैं पहली बार यहाँ चर्च में आई तो बिशप जी ने मैं प्रार्थना की तो मैं पहली बार में ही चंगी होगी। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो 1.5 साल में दुष्ट आत्मा थी। हाँ जी। उस क्या होता था उसे? उससे मुझे जैसे घर वालों ने कहा 3-4 दिन पहले कि अब की बार गंगानगर चर्च जाएंगे, तो मुझे डर लगता था, साधु दिखता था, तो मैंने बोला मुझे डर बहुत लगता है। तो फिर यहाँ पहली बार ही आए थे हम। नहीं, जब दुष्ट आत्मा आती थी तो क्या होता था? मेरे हाथ दर्द होते थे, हाथ पैर बहुत ज्यादा, सिर भारी रहता था। हाँ जी, दर्द होते थे। हाँ जी, जब कोई घर में बुलाता था तो मुझे गुस्सा आता था क्योंकि मुझे बुलाते क्यों है ये बार बार। तो आप पहली बार चर्च में आए? हाँ जी। कब आए थे? अभी 1.5-2 महीने हो गए। ठीक है, तो उस दिन से आप ठीक हो? हाँ जी। दुष्ट आत्मा नहीं आई? हाँ जी। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह जी ने। प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा किया है। हालेलुया। तो इसका नाम जन्नत है और 1.5 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक था। जब चर्च में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड के 2.5-3 साल से मुंह में फंगस थी, तो उनके मुंह में चमड़ी गल जाती थी और आने लगती थी, तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि इनकी बड़ी जांच करवानी पड़ेगी, तो हम घबरा गए क्योंकि हमारे घर में ऐसा एक हुआ था, मेरे पापा को हुआ था कैंसर, तो हम उसी से हिसाब से डर गए। तो हम जहाँ पहली बार आए हमने प्रार्थना कराई बिशप जी से, तो उनको बहुत बहुत ज्यादा आराम है। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो आपके भाई को? नहीं, हस्बैंड को। अच्छा, आपके हस्बैंड को। हाँ जी। मुंह में? हाँ जी, फंगस थी 2.5-3 साल से। फंगस क्या होता है? वो चमड़ी गल जाती थी मुंह के अंदर की। अंदर की। अच्छा। और पहले इधर साइड थी, फिर इधर साइड, धीरे धीरे इधर साइड होने लगी और बहुत ज्यादा गंदगी, मुंह में से बदबू आती थी बहुत ज्यादा। तो जब चमड़ी गट जाती थी तो फिर खाना कैसे खाते थे? ऐसे ही खाना खाते थे, दवाई लेके, वो मलम थी जो मुंह में लगा लेते थे, फिर खाना खा लेते थे। तो कितना टाइम रहा ये? 2.5-3 साल। 2.5-3 साल तक? हाँ जी। मुंह में फंगस रही? हाँ जी। तो फिर जब चर्च में आए? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर हमने प्रार्थना करवाई, लगातार हम प्रार्थना करवाते रहे। तो उससे उनको बहुत ज्यादा आराम, अब तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रह गई है। ओके। हाँ जी। किसने चंगा किया उसे? प्रभु यीशु मसीह जी ने। हालेलुया।